अच्छा, जो 9.36 दैट इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंडर में है, तो इसमें दिया है कैसेग्रेन टेलीस्कोप यूजेस टू मिरर्स एज शोन इन फिगर 9.33। तो फिगर तो ये वाली है ऊपर, जो इससे पहले फिगर बना यही वाला फिगर है, ठीक है। तो इसमें सारे स्पेसिफिकेशन गिवन है, दैट इज टेलीस्कोप विल विद मिरर्स 20 मिलीमीटर अपार्ट, दोनों मिरर के बीच में डिस्टेंस जो है 20 मिलीमीटर है, ठीक है, कॉनकेव कॉन्वेक्स के बीच में। इफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द लार्ज मिरर कौन सा, कॉनकेव मिरर वाला, कॉनकेव मिरर इज 220 मिलीमीटर एंड द स्मॉल मिरर इज 140 मिलीमीटर, वेयर विल द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्टिव एट इन्फिनिटी बी, ओके, वेयर विल बी द फाइनल इमेज, ओके। तो अभी इसके लिए ये सब के स्पेसिफिकेशन, इसके बीच में डिस्टेंस वो गिवन है, इसका और इसका दोनों का दोनों केसेस में इस दोनों का डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का ही गिवन है, बड़े वाले का 220, छोटे वाले का, बड़े वाले का 220 है मिलीमीटर और छोटे वाले का दैट इज कितना 140 मिलीमीटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द कॉन्वेक्स मिरर, जो कॉनकेव मिरर में जो इमेज फॉर्म होगा वो कॉन्वेक्स मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की काम करेंगे। रेस कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी विल फेसेस एट 220 बाई 100 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, बिकॉज इसका सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया, फोकस कितना होगा 110 सेंटीमीटर, ओके। तो जो इन्फिनिटी से लाइट आएगा वो 110 मिलीमीटर में जाके मीट करेंगे, दैट मीन्स जो लाइट रेस आ रहा था ये जो है ना यहाँ पे जाके मीट करना चाहेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 110 डिस्टेंस में। लेकिन बीच में हम लोग क्या रख दिया, एक मिरर रख दिया, और ये बीच में डिस्टेंस कितना है 20 मिलीमीटर की थी, ओके। तो डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितना हो गया 110 माइनस 20 दैट विल बी 90 मिलीमीटर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब ये चीज़ हो गया, ये वाला है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से, ये तो 20 था और ये जो जाके मिल रहा था दैट वाज कितना था 110, तो 20 माइनस कर जाते ये वाला डिस्टेंस आ गई 90 मिलीमीटर, तो ये इक्वल टू माइनस 90 मिलीमीटर, जो लाइट का डायरेक्शन ये है उसका अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो माइनस 90 मिलीमीटर, फोकस कितना है उसमें, जो कॉन्वेक्स तो यू इक्वल टू माइनस 90, एफ इक्वल टू माइनस 70, तो उसके बाद मिरर फॉर्मूला पुट कर दो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v कितना हुआ दैट इज 630/2 दैट इज 315 मिलीमीटर, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस ऑफ 315 मिलीमीटर फ्रॉम द स्मॉलर मिरर, ओके, स्मॉलर मिरर से इतना डिस्टेंस में रहेगा, ओके। बेटा एनसीईआरटी में आंसर यही दिया बेटा राहुल? यस सर। ओके, हाँ बेटा बोल। सर